ओपन चीज स्पिनच टोस्टीज। ओपन चीज टोस्टीज का मतलब क्या है? सबसे पहले कि जब हम कोई सैंडविच में ब्रेड कम खाना चाहते हैं लाइक, तो ये बहुत अच्छा तरीका है कि हम ओपन सैंडविच बनाएं, क्योंकि ओपन सैंडविच में ओनली वन बेस यूज होगा ब्रेड का, लाइक पिज्जा टाइप, ठीक है। तो इसके लिए एनी टाइप ऑफ जो हमारा फिलिंग है वो एज ए टॉपिंग आप ओपन सैंडविच में यूज कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि मैं अभी स्पिनच टोस्टीज बना रही हूँ तो आप वो ही फिलिंग यूज करो। एनी टाइप ऑफ जो भी फिलिंग आपका सैंडविचेस का मैंने अलग 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 वीडियोज में सिखाया है, उसमें से कोई भी लेके आप ये ओपन सैंडविच बना सकते हो। बट फिलहाल हम बना रहे हैं स्पिनच टोस्टीज, राइट, ओपन चीज एंड स्पिनच। स्पिनच टोस्टीज में हम मेन इंग्रेडिएंट है हमारे पास यहाँ पे स्पिनच का, जो स्पिनच के आयरन, फॉस्फोरस एंड ऑल विटामिन है उसको बरकरार रखने के लिए हम क्या करेंगे, स्पिनच के बड़े पत्तों को अच्छे से धो लेंगे, अच्छे से क्लीन करने के बाद उसको चॉप करेंगे। मोस्ट प्रॉब्ली हम क्या करते हैं कि स्पिनच को चॉप करके स्विमिंग पूल में डुबो देते हैं, राइट, एंड फिर पानी में से निकालते हैं, तो क्या होता है कटी हुई पालक में जो कुछ अंदर से निकलने वाला है वो सारा कहाँ चला गया, पानी में। तो आप पत्तों को अच्छे से धो के क्लीन करके ड्राई करो एंड ड्राइन कट करके यूज करो नैनी टाइप ऑफ रेसिपी। तो ये हमारे पास स्पिनच है। पनीर है उसके साथ, पनीर भी हम घर पे बना सकते हैं। आपको लिखना है तो लिख लीजिए, 1 लीटर आपको मिल्क लेना है, उसमें 1/2 कप ऑफ दही जाएगा, 1 टेबलस्पून ऑफ विनेगर जाएगा या तो नींबू का रस। दूध को गर्म करके दही एंड विनेगर का एक मिक्सचर रेडी करके जस्ट ऐड करिए। जैसे ही वो सेपरेट होना शुरू हो जाएगा गैस बंद करो, 10 मिनट के बाद उसको पनीर मेकर जो आता है ये मार्केट उसमें छान लीजिए और 20 टू 30 मिनट्स के लिए वेट रख लीजिए। देन एक ब्लॉक में आपके पास पनीर घर पे इजीली बन जाएगा, जो हमारे क्लास में हर एक अलग अलग रेसिपीज में हम यहाँ पर सिखाते हैं। इसको हमने ग्रेट करके लिया हुआ है पनीर को। देन इसमें एक कॉम्बिनेशन में मैंने एडिशनली ऐड किया है कॉर्न एंड कैप्सिकम, नॉट कंपल्सरी, ओनली चीज एंड पनीर एंड पालक से भी आप बना सकते हो, बट मैंने कॉर्न एंड कैप्सिकम का कॉम्बिनेशन लिया हुआ है। बॉइल कॉर्न एंड कैप्सिकम है 1/2 कप 1/2 कप और अभी हम ले रहे हैं 2 टेबलस्पून ऑफ ऑलिव ऑयल। ऑयल जैसे ही गर्म होगा हम इसमें ऐड करने वाले हैं लहसुन यानी कि गार्लिक। तो 1 टेबलस्पून ऑफ हम लेंगे गार्लिक और उसको अच्छे से यहाँ पे थोड़ा सॉटे करेंगे, तेल गरम थोड़ा हो जाएगा देन ऐड करेंगे। और ओपन टोस्ट ये है वो 2-3 तरीके से आप बना सकते हो। देन वन तरीका ये कि आपके पास होती ही या तो कन्वेक्शन ओवन है तो गो फॉर दैट। इसमें आपको प्रीहीट करके जो आपकी ब्लैक प्लेटर होगी या जाली होगी इसके ऊपर आप रख के 180 डिग्री पे 10 मिनट के लिए बेक करो या तो ब्रेड करो। नहीं है आपके पास तो ये जो हमारे पास ट्रायंगल ब्रेड है उसको थोड़ा बटर लगा के हम जैसे पाव भाजी या इसके बन जो पकाते हैं तावी पे रोस्ट करते हैं वैसे तावी पे आप उसको धीमी आंच पे पका के थोड़ा टोस्ट कर दो यानी क्रिस्प कर दो। क्रिस्प करने के बाद जो हमारा फिलिंग बनेगा टॉपिंग की तरह उसके ऊपर लगा के जिस ग्रेटेड चीज सर्व, ठीक है। तो वैसे भी अगर आपके पास ओवन नहीं है आप बना सकते हो। यहाँ पे हमने लेना है लाइक लहसुन, अच्छे से उसको 1 टेबलस्पून ऑफ लहसुन को हमें सॉटे करना है। इसके बाद इसमें जाएगा बारीक चॉप किए हुए कैप्सिकम और ब्लैक पेपर। ये है हमारे पास अमेरिकन कॉर्न बॉईल किए हुए 1/2 कप, थोड़ा अच्छे से सॉटे करेंगे। तब इसमें हम ऐड कर रहे हैं पेपर पाउडर यानी कि ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च पाउडर। पालक का मैंने अभी तरीका आपको बताया हुआ है, वैसे ही पालक को हमने चॉप करके लेना है एंड जस्ट ऐड पालक। और जब ये कुक हो जाएगी ना तो अच्छे से उसकी क्वांटिटी थोड़ी कम हो जाएगी, तो इसको हमने अच्छे से यहाँ पे डाल दिया। थोड़ा ऊपर से हम डालेंगे इसमें नमक, थोड़ा अभी सॉफ्ट हो जाएगा तुरंत हम पलट पाएंगे उसको। साथ में हमने लेना है फ्रेश पार्सली फॉर 1/2
and Sahara Dahlia. What is fresh parsley? Parsley is from coriander family. पार्सली वन टाइप ऑफ कोरिएंडर फैमिली का ही है, जैसे हमारा यहाँ का हरा धनिया वैसे ही इंग्लिश हरा धनिया, और वो कोरिएंडर फैमिली से ही है। अगर आपको कभी कभी फ्रेश पार्सली अवेलेबल नहीं हुई तो आप उसके बदले ड्राई पार्सली जो बॉटल्स में मिलती है वो भी ले सकते हो, ठीक है। और इसके साथ हमने लिया है यहाँ पे पेपर पाउडर। जब भी कोई भी रेसिपी में जब आप स्पिनच यूज करते हो तो बहुत अच्छा एक कॉम्बिनेशन रहेगा, क्या पनीर एंड चीज। आप लोग पालक पनीर रेसिपी खाते हैं जिसमें पालक चीज, पालक पनीर डोसा, राइट, पालक पनीर एंड चीज, पालक सब्जी भी आती है। तो कहीं भी जहाँ पे स्पिनच जाता है वहाँ पे पालक के साथ यानी कि स्पिनच के साथ पनीर एंड चीज ऑलवेज कॉम्बिनेशन में फिट करता है, ठीक है, तो वो आप ले सकते हो। तो पालक तो हमारा अभी यहाँ पे जैसे हो रहा है, इसके साथ मैंने ग्रेटेड पनीर ऐड कर देना है और उसके साथ जाएगा लाइक चिली फ्लैक्स अच्छे से। मरी पाउडर ऑलरेडी हमने डाला है, हल्का वापस हम पनीर के क्वांटिटी के हिसाब से थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे। बहुत अच्छे से हमारा एक कलरफुल एंड हेल्दी कॉम्बिनेशन रेडी होगा फॉर अ चीज एंड स्पिनच टोस्टीज के लिए। क्यों? क्योंकि पालक जो है उसमें बहुत अच्छे से आयरन है, फॉस्फोरस है, फाइबर्स है, पनीर जो है इसमें बहुत अच्छे से कैल्शियम है, प्रोटीन है, तो बहुत हेल्दी सैंडविच ये बनने वाली है। कॉर्न है उसमें बहुत अच्छे से कार्बोहाइड्रेट्स है, उसका टेस्ट ओरिजिनली स्वीट है, आपको कुछ भी ऐड नहीं करते हो तो भी बहुत अच्छे से वो कॉम्बिनेशन एंड वो टेस्ट लेता है। इसको हाई फ्लेम पे करो क्योंकि एक्सेस वाटर जो भी है ना हमको जलाना है, ठीक है, और हाई फ्लेम पे अच्छे से वो पक जाएगा। इसके बाद थोड़ा ठंडा होने के बाद इसके ऊपर ब्रेड के ऊपर हम अप्लाई कर सकते हैं एंड देन चीज़ ग्रेट करके उसको हम बेक करने के लिए रखेंगे, ठीक है। बेकिंग के लिए आपके पास ओटीजी होगा। ओटीजी का मतलब है ओवन, टोस्ट एंड ग्रेटर। एनी टाइप ऑफ सैंडविचेस को आपको टोस्ट करना है या ग्रिल करना है तो गो फॉर ओटीजी। ओटीजी में दो हीट होती है, अपर एंड बॉटम, दोनों हीट के साथ आप कोई भी सैंडविच को टोस्ट या ग्रिल कर सकते हो। क्यों? क्योंकि सैंडविच जब हम ओपन सैंडविच या पिज्ज़ा बनाते हैं तो दो चीज़ हमको चाहिए, एक की हमको अच्छे से क्रिस्पी चाहिए एंड सेकेंड की हमको ऊपर से जो चीज़ डाला है वो अच्छे से क्या बेक या मेल्ट हो जाना चाहिए। तो दोनों हीट रख के अपर एंड बॉटम बोथ भी, और 10 मिनट्स के लिए आप ओटीजी में बोथ हीट पे जाके 10 मिनट क्या करेंगे, प्री हीट करेंगे। प्री हीट करने के बाद सेंट्रल पोजिशन पे रैक रख के इसके ऊपर हम उसको अरेंज कर देंगे, वापस 180 डिग्री पे 10 मिनट के लिए बेक कर देंगे, ठीक है। अगर आपके पास कन्वेक्शन ओवन है तो कन्वेक्शन ओवन में आप सबसे पहले क्लिक करोगे कन्वेक्शन के स्विच को, ठीक है। कन्वेक्शन की स्विच को क्लिक करने के बाद उसको वापस क्लिक करोगे तो इस पे टेम्परेचर सेटिंग आएगी और वो टेम्परेचर सेटिंग आपको टिक टिक करके 180 तक लेके जानी है, ठीक है। एंड 180 लेने के बाद आपके अंदर टाइम सेटिंग का बटन होगा जिसमें आपको टाइम लेना है 10 मिनट क्लिक करके, फिर वापस वही आपका जो ग्लास ट्रे होगा इसके ऊपर रैक रख के वहाँ पे आप मैनेज करोगे। तो मोस्ट प्रोबेबली आपके पास कन्वेक्शन ओवन होगा तो ऐसे बनाएंगे, ठीक है। और यही सैंडविच को अगर आप ग्रिल करना चाहते हो तो दो सैंडविच के बीच ब्रेड के बीच में आपने ये ग्रिलिंग होगा, ग्रेटेड चीज एंड ग्रिलिंग। ग्रिल मशीन में करो, टोस्ट में करो या तावे पे करो, ठीक है, कैसे भी करना है हो जाएगा। तो ये हमारा ऑलमोस्ट डन हो गया होगा, देखिए बहुत अच्छे से हमारा पालक है, पनीर है, चीज़ हम ऊपर से डालेंगे, कॉर्न है, बेल पेपर है एंड नमक, पेपर पाउडर एंड चिली फ्लेक्स। गैस बंद करते हैं, देखिए बहुत अच्छे से ये हमारा हेल्दी वर्जन है ये, और बहुत अच्छे से कॉम्बिनेशन के साथ रेडी है, ठीक है। अभी थोड़ा सा हम इसमें चीज़ या तो मेयोनीज डाल देंगे, हल्का सा ठंडा करेंगे एंड देन हम उसको रेडी करेंगे इन ब्रेड और टॉप करेंगे हेड के ऊपर, ठीक है। ओपन चीज स्पिनच टोस्टीज का हमने स्टफिंग बनाया था, इसके लिए हमारे पास ट्राइंगल ब्रेड है। स्टफिंग थोड़ा हमने ठंडा करना है, वो जो हमारा ठंडा हो चुका है
और इसके ऊपर हमने यहाँ पे थोड़ा सा अच्छे से बटर अप्लाई कर दिया है, ठीक है। देन अभी हमारा ये एकदम यम्मी एंड हेल्दी कॉम्बिनेशन है, पालक, कॉर्न, कैप्सिकम, पनीर एंड इवन चीज, या तो मेयोनीज, चीज स्प्रेड डाली या तो मेयोनीज डाली, एंड ये जो मिक्सचर है उसको अच्छे से हमने अप्लाई कर देना है ऑन ब्रेड। जितने भी कॉर्नर्स है ना उसमें लगाइए, हमेशा ऐसा लगाने के बाद आप उसको है ना एक बार ऐसे फ्लैट ऐसे, जिससे क्या होगा अपने आप जितने भी कॉर्नर बच गए हैं ना देखिए बहुत इवनली वो कवर्ड हो जाएगा ऐसे, ठीक है। वैसे हमें दूसरा ब्रेड भी रेडी करना है, जस्ट क्रैच डाउन बट वो थोड़ा प्लांटिंग में जाने दीजिए तो अपने आप अच्छे से स्प्रेड। ब्रेड नहीं दिख रहा, ठीक है, फुल कवर्ड है चीज। अब इसके ऊपर हम ग्रेट करेंगे अच्छे से, ऐसा सा ऑरिगैनो चिली फ्लेक्स एंड पेपर पाउडर जिस स्प्रिंकल इट। एंड अभी हमने जो ओटीजी को हीट करके रखा है वो ओटीजी में आप एज अ पिज्जा को जैसे बेक करते हैं ना वैसे उसको बेकिंग में जाने देंगे 180 डिग्री के लिए, डिग्री के ऊपर 10 मिनट, ठीक है। तो ये हमारा स्पिनच टोस्टेड ओवन में जाएगा या फिर आप ग्रिल मशीन में भी कर सकते हैं। ग्रिल मशीन में आप करोगे तो दो साइड से कवर भी कर लेना और बीच में स्टफिंग ले लेना, ठीक है। सो हमारा ओपन चीज एंड स्पिनच टोस्टीज जो था वो नाइसली बेक हो चुका है, देखिए गोल्डन ब्राउन हो जाना चाहिए एकदम परफेक्टली नीचे से। देन कट इट, को कट करके देखो क्रंच का जो आवाज़ आ रहा है इतना क्रंच हो जाना चाहिए बिकॉज इट्स अ टोस्टेड राइट, तो टोस्ट जैसा वो क्रिस्प हो जाना चाहिए, तो वो हमने रेडी कर दिया है और अभी ये अप्लाई करेंगे इन प्लेट। इट्स डन, ये है हमारा ओपन, इसका ऐसा ही लुक हम रखेंगे बिकॉज ऊपर बहुत अच्छे से ग्रीन स्पिनच का, कॉर्न का और सबका कॉम्बिनेशन आया है, ठीक है। तो वो हमने सर्व करना है एनी टाइप ऑफ, आप ये हमारा जो टोस्टीज है उसके साथ सूप सर्व कर सकते हो, कोई भी आप स्पिनच का हमारा ये है तो स्पिनच का शोरबा बनाइए, स्पिनच सूप बनाइए या फिर कोई टमेटो या ऐसे वाइट बीन सूप के साथ भी आप उसको सर्व कर सकते हो। तो सूप एंड टोस्टी बहुत अच्छा क्रंच देगा और बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन लगेगा।